हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल योगीराज योगी ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बदल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट और पीरियोडिक असेसमेंट और टेस्ट सॉल्यूशन हम आज देखने वाले हैं। जो आपका अभी 2021 में जो टेस्ट रहा है ये उसी का सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1। Arrange the steps of farming process in order and name the tools or equipment used for it. तो दिस क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स। यानी यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो पहले तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और उसमें आपको आप कौन से वाले टूल्स या तो फिर इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला है वीडिंग, तो उसके लिए हम इक्विपमेंट कौन से वाले यूज करेंगे, तो आएगा इलिज। आफ्टर दैन सेकंड है वॉटरिंग, तो आएगा शोवेल। थर्ड इज शोइंग, तो आंसर रहेगा ड्रिल मशीन। एंड फोर्थ इज राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स, तो आंसर रहेगा थ्रेसर। और फिफ्थ वन इज हार्वेस्टिंग ग्रेन्स, तो आंसर रहेगा इलिज। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे कौन सा वाला इक्विपमेंट्स यूज होता है वो हमने लिख दिया है। अब आपको इसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे साइड में जो है वो हाईलाइट किया हुआ है कि कौन सा वाला पहला आएगा, कौन सा वाला दूसरा आएगा, उसके साइड में ही मैंने वहाँ पे नंबर लिख दिए हैं। तो पहला कौन सा वाला आएगा, तो शोइंग। सेकंड वन आएगा वॉटरिंग। थर्ड वन आएगा वीडिंग। एंड फोर्थ आएगा राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स। एंड फिफ्थ आएगा हार्वेस्टिंग ग्रेन्स। After then question 2, answer the following questions in brief. The list of vegetables and fruits is given below. Classify into that gets rotten easily and that stay fresh for few days. यहाँ पे आपको जो vegetables दिए गए हैं और fruits दिए गए हैं आपको यहाँ पे उसको दो parts में divide करना है कि कौन से वाले हैं वो rotten easily होते हैं और कौन से वाले हैं जो fresh for few days तक रहते हैं। तो यहाँ पे गेट्स रोटन ईजिली, पहले हम उसका देखते हैं, तो उसमें आएगा एप्पल्स, टोमेटोज, कस्टर्ड एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, स्पिनच एंड गूसबेरी। और अब दूसरा पार्ट देखते हैं, स्टे फ्रेश फॉर फ्यू डेज, तो उसमें आएगा स्वीट पोटैटोज, गार्लिक, ब्रिंजल एंड एलिफेंट्स फूड। थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डू बर्ड्स यूज देयर नेस्ट, देन आंसर आएगा बर्ड्स यूज देयर नेस्ट टू ले एग्स। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू स्नैक्स इट देयर फूड, द स्नैक टेक्स इट्स फूड थ्रू द माउथ। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री बर्ड्स यू हैव सीन एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर नेस्ट। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं हम, फर्स्ट वन इज देव चकली। The nest is made of grass, on top of it from a nest of soft twigs, roots and hair. Crow, the crows make nest from all sorts of things such as using wire and wood. Fourth question hai, write one difference for each. To yahan pe hum pehla dekhte hai street house and flat. To street house, the street building is bigger and has more room. Then flat, the flat building is small and has less room. Second one is railway station and bus station. Railway station is huge and there is a lot of railway traffic. This bus station is smaller than the railway station and there is a bus rush. Third one is village and city. The village has a clean atmosphere and large bins. The city has high-rise buildings and state-of-the-art bungalows. Fourth question hai. City bus and ST bus.
तो आंसर रहेगा सिटी बसेस ट्रैवल टू द सिटी विच इज लिमिटेड इनफ टू दैट सिटी. द एस टी बस इज टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड अक्रॉस द स्टेट. फिफ्थ वन है रिवर फ्रंट एंड सी कोस्ट. तो आंसर रहेगा रिवर फ्रंट इज अ स्मॉल रिवर साइड एरिया वेयर पीपल गो फॉर वॉक्स and waves of water are coming to the coast and are wider than the riverfront. Question 5 है, answer the following questions in brief. यहाँ पे आपको पहला question दिया गया है, what is the main source of water? The main source of water is rain. Second question है, what will you do if the tap is leaking in your school? आंसर रहेगा आई विल इन्फॉर्म अवर टीचर एंड फिक्स इट. उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस इफ यू टेक आउट वेदर फ्रॉम अ पॉट और वेसल विदाउट डोया. आंसर है टेकिंग वाटर फ्रॉम द पॉट विदाउट डोया कंटेमिनेट्स द वाटर एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द डिसीज. आई होप कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आप सभी के समझ में आ गई होगी. अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू.